तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे IRFC स्टॉक के बारे में। दोस्तों IRFC में मेरा यहाँ पर आगे का क्या व्यू है वो भी जानेंगे एंड IRFC से रिलेटेड एक बहुत बड़ी अपडेट निकल के आ रही है उसको भी हम कवर करने की कोशिश करेंगे। आज की अगर मैं दोस्तों बात करूँ तो IRFC में यहाँ पर गिरावट हुई है 2% की, बट सिर्फ IRFC ही नहीं गिरा है, पूरे मार्केट में ऑलमोस्ट यहाँ पे सेलिंग प्रेशर जो है वो थोड़ा बहुत हमें क्रिएट होते हुए नज़र आया है। क्योंकि अगर आप देखेंगे तो आज IRFC इतना गिरा क्यों है, रीज़न क्या है इसके पीछे, रीज़न दोस्तों सिंपल है कि मिड कैप में एक सेलिंग हमें देखने को मिली एंड IRFC में गिरावट हुई। बट इम्पॉर्टेंट ये भी है कि जब मार्केट क्लोजिंग हुआ तो क्लोजिंग टाइम में एक अच्छा खासा रिवर्सल भी दिया, क्योंकि ऑलमोस्ट स्टॉक लो लगा चुका था 187 का, बट क्लोजिंग के टाइम अगेन 190 के ऊपर स्टॉक क्लोज होते हुए देखने को मिल गया। आगे का क्या व्यू रहेगा वो भी इस वीडियो में जानेंगे। वही अगर मैं डेटा आपको दिखाऊं तो लास्ट 5 डेज में नॉर्मली 1.5% का जंप दिखा है, लास्ट 1 मंथ में 10% तक की तेजी दिखी है, 6 मंथ में 11% तक का जंप, एंड वही अगर मैं 1 ईयर की बात करूं 370% एंड मैक्सिमम में यहाँ पे 666% तक के रिटर्न्स यहाँ पे कंपनी ने हमें निकाल के दी है। रिटर्न्स यहाँ पे हमें बहुत ही शानदार देखने को मिले हैं। तो क्या यहाँ से आगे कंटिन्यू ये रैली बनते हुए नज़र आएगी, क्योंकि देखिए आपने ये तो सुना ही होगा क्योंकि रेलवे में हमें अभी के टाइम जो है कि एक शुरुआत तो अभी देखने को मिल रही है। रेलवे सेक्टर अगर आप देखेंगे तो इसकी जो शुरुआत है वो तो अभी के टाइम हुई है, आने वाले टाइम में जब सभी कंपनियों के प्रोजेक्ट्स वगैरह कंप्लीट होंगे तो वहाँ पर एक बड़ा रेवेन्यू हमें देखने को मिलेगा। उसी के साथ साथ जितने भी जैसे RVNL है इनके पास 1 लाख करोड़ का ऑर्डर्स है, इरकॉन जो है इसके पास 30 से 40 हज़ार करोड़ की ऑर्डर्स इसके पास है, जितनी भी रेलवे कंपनियां हैं सभी का जो ऑर्डर्स है वो ऑलमोस्ट यहाँ पे 2-2.5 लाख 3 लाख करोड़ का हो गई। तो जब वो ऑर्डर्स है तो ऑलमोस्ट यहाँ पे जो रेलवे में दोस्तों जितना भी फाइनेंस का काम होता है वो सारा IRFC नहीं करता, ऑलमोस्ट 50-60% जो फंड है वो IRFC के जरिए जाता है। तो जितना भी आपका रेलवे में 2-3 लाख करोड़ का अभी के टाइम ऑर्डर्स हमें देखने को मिल रहा है सभी कंपनियों को, तो इसका 50-60% जो है वो IRFC से जाएगा। मतलब आने वाले समय में ऑलमोस्ट कंपनी का जो रेवेन्यू है वो 1.5 से 2 लाख करोड़ तक का जो है वो हमें आराम से देखने को मिलेगा आने वाले 3 से 4 साल में, जब भी इन कंपनियों के ऑर्डर सारे कंप्लीट होंगे। तो मतलब एक बड़ा रेवेन्यू IRFC जनरेट करेगा ये तो फिक्स है, क्योंकि ओवरऑल रेलवे में जो ग्रोथ है वो तो अभी के टाइम हमें शुरू होते हुए देखने को मिली है। तो लॉन्ग टर्म ग्रोथ जो है वो तो हमें यहाँ पे दिख रही है, बट शॉर्ट टर्म यहाँ पर क्या व्यू रहना चाहिए वो थोड़ा हम समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर आज की अगर मैं बात करूँ तो स्टॉक में हमें क्या देखने को मिल रहा है कि स्टॉक गिर तो रहा है बट यहाँ पे वॉल्यूम्स नहीं है। जब स्टॉक में हमें तेजी देखने को मिली थी तो बहुत बड़े बड़े वॉल्यूम्स के साथ स्टॉक में मूवमेंट बना था, बट स्टॉक में गिरावट हो रही है, वॉल्यूम्स हमें कम देखने को मिल रहा है। स्टॉक आपका ओपन होता है 195 रुपीज़ के आसपास, 195 के आसपास हाई लगाता है, उसके बाद एक सेल ऑफ हमें देखने को मिली जाता है। अगर मैं वॉल्यूम्स की बात करूँ तो 3 करोड़ 50 लाख का वॉल्यूम रहता है, 670 करोड़ के वैल्यू के शेयर्स आज यहाँ पे ट्रेड होते हैं। वही डिलीवरी की बात की जाए तो 30% क्वांटिटी हमें यहाँ पे डिलीवर होते हुए देखने को मिलती है। अब देखिए डिलीवरी भी नॉर्मली कम है बट वॉल्यूम्स की अगर मैं बात करूँ तो वो कम है, गिरावट में अगर वॉल्यूम कम है तो ये एक नॉर्मली अच्छी बात मानी जाती है। तो आज जो दोस्तों हमें नजर आया है वो ये है कि मैनेजमेंट में एक अनाउंसमेंट हुआ है, जहाँ पे दोस्तों IRFC ने एक अनाउंसमेंट किया है मैनेजमेंट ने कि इनके जो CMD है वो यहाँ पे चेंज होते हुए नजर आ रहे हैं, पूर्व CMD यहाँ पर बदले जाएंगे, न्यू CMD यहाँ पे नियुक्त होंगे। तो दोस्तों यहाँ पर जो है कि जो न्यू CMD है उनका नाम है उषा वेणुगोपाल, तो ये यहाँ पर अभी IRFC में CMD का कार्यकाल जो है वो संभालेंगे, मैनेजिंग चेयरमैन ऑफ मैनेजिंग डायरेक्टर्स। तो ओवरऑल यहाँ पर जो है कि अब देखते हैं इनके कार्यकाल में कैसा परफॉर्मेंस रहता है, इनकी इनका क्या व्यू रहता है, ये कैसे कंपनी को ग्रो करते हैं वो हमें आगे जो है वो देखने को मिलेगा। बट जो पूर्व CMD थे उनके कार्यकाल में ओवरऑल हमें एक अच्छा परफॉर्मेंस देखने को मिला, जहाँ पे कंपनी के रेवेन्यूज़ भी बढ़े, कंपनी के प्रॉफिट्स भी हमें बढ़ते हुए देखने को मिले। अब देखिए हमें यहाँ पर सारी निगाहें रहेगी कंपनी के Q1 के रिजल्ट्स पे। हमने ये भी देखा है कि रेलवे में थोड़ी बहुत दोस्तों परफॉर्मेंस हमें कहीं ना कहीं डाउन देखने को मिल रही है। रीज़न क्या है, रीज़न अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे एग्जांपल आप राइट्स के रिजल्ट्स देख सकते हो, क्या देखने को मिला, एक डाउनफॉल नज़र आया इतने बड़े ऑर्डर्स के बावजूद भी। टीटागढ़ जिसके ऊपर बहुत बड़े बड़े अनाउंसमेंट्स भी हुए और टोटल जो रेलवे में जितनी भी दोस्तों बुग्गी वगैरह बनती है, डिब्बे वगैरह बनते हैं, वो ओवरऑल ये कंपनी संभालती है काम, तो फिर भी यहाँ पे इसके रिजल्ट्स नेगेटिव आए तो उसका भी इम्पैक्ट आप यहाँ पे देख सकते हो। तीसरा यहाँ पे जुपिटर वैगन के रिजल्ट्स देखने को मिले, उसके ऊपर भी एक नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ा है। एंड उसी के साथ साथ दोस्तों रिसेंटली सिर्फ 10 मिनट पहले रेलटेल के रिजल्ट्स भी आ चुके हैं, तो रेलटेल के रिजल्ट्स में भी हमें क्या देखने को मिल रहा है कि कंपनी का जो रेवेन्यू है वो ईयरली वाइज यहाँ पे कहीं ना कहीं एक प्रकार से ड्रॉप होते हुए देखने को मिला है। और वही अगर मैं प्रॉफिट्स की बात करूँ तो प्रॉफिट यहाँ पे ईयरली वाइज जो है, अगर मैं प्रॉफिट
प्रॉफिट्स की बात करूं तो प्रॉफिट्स भी ड्रॉप हुए। तो देखिए रेलवे के जिस प्रकार से रिजल्ट्स आ रहे हैं तो थोड़ा सा हमें अलर्ट रहने की ज़रूरत है। नो डाउट फ्यूचर ब्राइट है, आने वाले 2 से 3 साल 5 साल का व्यू बेटर है, बट शॉर्ट टर्म पर्पज़ के हिसाब से जो ये एक रैली बनी है या तो एक कंसोलिडेशन देखने को मिल सकता है या एक छोटा सा करेक्शन हमें नज़र आ सकता है IRFC में, क्योंकि जिस हिसाब से रेलवे के रिजल्ट हमें डाउन देखने को मिल रहे, IRFC भी रेलवे सेक्टर का है तो उसके भी रिजल्ट थोड़े गिर सकते हैं। तो ऐसे में हमें यहाँ पर कोई बड़ी पोजिशन नहीं बनानी है, लिमिटेड अमाउंट के साथ यहाँ पर काम करना सही रहेगा। क्योंकि अभी के टाइम अगर आप देखेंगे तो हमें, जैसा कि मैंने आपको बोला था कि मिड कैप में एक सेल ऑफ दिखेगा, तो वही सेल ऑफ हमें यहां पे नजर आ रहा है। मेरा यह मानना है कि कहीं ना कहीं मिड कैप जो है, ये जो EMA है ना, EMA पे बार बार सपोर्ट लेता है मिड कैप, जैसा कि आप देख सकते हो ये है आपका 50 डे मूविंग एवरेज पे सपोर्ट लिया, जंप सपोर्ट अगेन जंप। तो अब यहां पे ये क्या कर सकता है कि अगेन EMA पे सपोर्ट ले सकता है, मतलब मिड कैप मेरा ये मानना है यहां से 2000 पॉइंट गिर सकता है शॉर्ट टर्म, मतलब आने वाले 10 से 15 दिन में, ये मेरा मानना है। तो ऐसे में अगर मिड कैप 2000 पॉइंट गिरता है तो रेलवे के स्टॉक्स पे भी इंपैक्ट पड़ेगा। अब जैसे कि रेलटेल के रिजल्ट्स नेगेटिव आए तो रेलटेल का स्टॉक कल यहां पे एक बड़ा डाउनफॉल भी दिख सकता है। तो उसी हिसाब से हमें नॉर्मली रिजल्ट से पहले अभी के टाइम कोई बिग पोजीशन नहीं क्रिएट करनी है। नॉर्मली अगर कुछ लिया हुआ है तो उसे एज इट इज ऐसे ही रखना चाहिए। मेरा ये अभी के टाइम अगर देखा जाए तो दोस्तों स्टॉक्स में हमें क्या देखने को मिला कि पहले क्या होता था कि मोमेंटम अपर साइड का रहता था, बट अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ट्रेंड कहीं ना कहीं रिवर्सल के साइन अप हमें यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। जैसा कि मैंने यहाँ पर जब ये तेजी आई थी तो मैंने आपको एक अपडेट दिया था कि ये जो तेजी है वो नॉर्मली एक तेजी है, एक रिवर्सल का साइन नहीं है। स्टॉक रिवर्सल हम कब मान सकते हैं, जब ये स्टॉक ये जो रेंज है, इस रेंज को 210 का लेवल है, इसको अगर ये स्टॉक इस तेजी के जरिए तोड़ता है, 210 के लेवल्स के ऊपर जाता है, तो हमें इसे एक रिवर्सल मान सकते हैं। बट स्टॉक ये रिवर्सल नहीं है, जब तक ये 210 के ऊपर नहीं जाता तब तक दोस्तों यहाँ पर जो है रिवर्सल नहीं माना जाएगा। क्या ये 250 जाएगा? अगर ये 210 का लेवल तोड़ता है तो ही 250 के लेवल्स दिखेंगे, 210 से नीचे है तब तक एक नेगेटिव सेंटिमेंट बने रहेंगे। स्टॉक में इंपॉर्टेंट बस यही है कि IRFC में अभी के टाइम जो ये एक सपोर्ट बना है स्टॉक ने, ये जो लेवल है यहाँ से स्टॉक ने क्या किया, जंप किया, तो ये स्टॉक का एक सपोर्ट बन गया। लेवल है 182 के लेवल से जब तक IRFC ऊपर है तब तक कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, बट 182 का लेवल अगर टूटता है तो 170-160 के लेवल्स भी दिख सकते हैं, ये बात आपको ध्यान रखनी है। 182 एक सबसे बड़ा सपोर्ट रहेगा। अपर साइड में एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंट है 200 का, 200 का लेवल टूटता है तो डबल बॉटम पैटर्न यहाँ पे क्रिएट करके 210 का भी लेवल तोड़ सकता है, 250 के लेवल्स भी दिखा सकता है, बट उसके लिए 200 का लेवल टूटना इंपॉर्टेंट है। तो अब यहां पे देखिए रेंज बन चुकी है। जैसे कि अगर मैं बात करूं लॉन्ग टर्म, कोई दिक्कत नहीं है, लॉन्ग टर्म ग्रोथ मुझे यहां पे रेलवे में भी दिख रही है, IRFC में भी दिख रही है, इंडिया ग्रो हो रहा है। तो ऐसे में फ्यूचर अगर किसी का व्यू 2 साल 3 साल, अगर मेरा व्यू 5 साल का है तो मैं एज इट इज ऐसे ही रखूंगा, होल्ड करूंगा, बट अगर मेरा व्यू शॉर्ट टर्म है तो नॉर्मली कोई बड़ी पोजिशन क्रिएट नहीं करूंगा। यहां पर आप ये दो इंपॉर्टेंट जोन देख सकते हैं, 182 सबसे बड़ा सपोर्ट, 200 सबसे बड़ा रेजिस्टेंट। 200 लेवल टूटा, 250 के लेवल्स मुझे दिख सकते हैं, 180 का लेवल टूटा तो दोस्तों 170-160 के लेवल्स यहाँ पे मुझे दिख सकते हैं, ये यहाँ पे मेरा व्यू है। बाकी रिजल्ट्स जिस हिसाब से रेलवे के आ रहे हैं, IRFC के भी रिजल्ट्स थोड़े बहुत प्रेशर में देखने को मिल सकते हैं। थैंक यू दोस्तों।